नमस्कार, आप देख रहे हैं महरो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस हादसे के चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए हैं। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने बयान दर्ज किए हैं। चश्मदीदों ने घटना के वक्त की तस्वीरें शेयर की है और चश्मदीदों ने बताए हैं सत्संग के इंतजाम। आपको बता दें कि चश्मदीदों ने भगदड़ की असली वजह क्या थी ये बताई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए हैं और आखिर क्या वजह थी जिसके वजह से सत्संग में भगदड़ मच गई, ये भी जो है चश्मदीदों की तरफ से बताया गया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने जो है बयान दर्ज किए हैं। हाथरस हादसे के चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है और चश्मदीदों ने ये बताया है कि सत्संग के इंतजाम वहां पर आखिर थे क्या। उन्होंने बताया कि किस वजह से जो है वहां पर अचानक से भगदड़ मच गई। हमने ये जानकारी दी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप घटना के समय थे। मैंने कहा हाँ, हम घटना के समय थे, हम उधर से आ रहे थे इटा से। तो हमें जैसे वहाँ पर गाड़ी रोकी, हमने देखा वहाँ पर भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार, जैसे एक युद्ध होता है ना उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। हमने मैं और मेरा भाई था साथ में मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोक कर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को ले लेके जा रहे थे लोग और किसी की सांस चल रही थी, कोई ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी, सांस चल रही थी, सांस थी तो अपने जिनके उनके पास जो अपनी प्राइवेट वैन गाड़ी बुलेरो जो भी थी उनके उनमें रख रहे थे। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहां पर, हमारा पति वहां पर। तो हमें देखते ही हम एक सोचता रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी। घटना उसी से हुई, बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पर गया, उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए। और बाबा के पूर्व सेवादार, उसके बितके हुए भक्त और बाबा के पाखंड से पीड़ित लोग जो कहानियां सुना रहे हैं उसे तो ये बाबा बहुत बड़ा बंजलबाज साबित होता दिख रहा है। लेकिन बाबा के साथ जिन्होंने लंबा वक्त गुजारा है, जिन्होंने उसे पुलिस की नौकरी से लेकर के बाबा बनने तक जाना है, अगर वो कुछ बात कहते हैं तो उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं बाबा के उस राजदार की कहानी और सुनाते भी हैं वो बातें जो बाबा की पोल खोलने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, ये नाजर बाबा सूरजपाल जाटों से लंबे वक्त तक इनकी जमती थी, मगर अब नाजर सिंह बाबा के जिक्र पर फट पड़ते हैं। सूरजपाल जाटों के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ नाजर सिंह उसका नाम सुनकर ऐसे भड़के कि भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगे। तो उस टाइम कुछ नहीं, मामा बाबा जी अच्छा बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। नाजर सिंह का गुस्सा जब शांत हुआ तो उनसे बाबा की हर जानकारी जुटानी शुरू की। तफसील से आप बाबा के सबसे बड़े राजदार से जानिए कि कैसे सूरजपाल जाटों के चमत्कार के सारे दावे हवा हवाई होते जा रहे। किसी का ये पेन हो जाएगा या पर्स गिर पड़े तो पर्स उनको उन्हीं राज को मिलेगा, भाई तुम्हारा पर्स हूँ मिल सकता है नहीं मिलेगा। तो ये पर्स गिर गया किसी का, अपना अपना भाई लो तो जिसका पर्स था ले आता था वहाँ क्या था सब बाबा का पर्स मिल गया, बाबा उनको दे दिया, उनको कहा दे दिया पर्स, हमें तो मिल जाए हम सर उठाना, तीन दिन घरे उन्हें सब तुम आए हम बस पर्स मिल गए। तो अच्छा मतलब पर्स भी गिरता था तो उन्हीं का पर्स होता था, उन्हीं के लोग उन्हीं का पर्स था, उन्हीं मिल जाता था। बाबा मनगढ़ंत चमत्कारी कहानियां गढ़ता था, उसके सेवादार और पिंक पल्टन इन्हीं किस्सों को सुनाकर भोले भाले भक्तों को फंसाते थे, जबकि ये बाबा खुद अपने माँ पिता का कोई सम्मान नहीं करता था। सूरजपाल जाटव ने कभी अपने माँ पिता के पैर नहीं छुए। सूरजपाल जाटव अपने पिता के निधन के बाद घर तक नहीं गया था। मैंने यहाँ देखा तो मतलब क्या देखा कि बाबा जो सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुपाए, माँ ने पैर छुने की कि नहीं, क्यों छुए माँ ने, माँ का हक है, माँ तो माँ होती है। नाजर सिंह बताते हैं कि स्कूल के दिनों से ही सूरजपाल जाटव खुद को भोले शंकर बताने लगा था। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान सूरजपाल सभी बच्चों से उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। हाँ पढ़े साथ पढ़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तो पढ़े कक्षा छह में। अच्छा कहाँ पर पढ़ा? गन्नौरवाला। गन्नौर वाले में? गन्नौरवाला इंटर कॉलेज है। अच्छा, और डिग्री कॉलेज भी वहाँ पर। स्कूल टाइम में बाबा तब स्कूल टाइम कुछ नहीं थे, मामा बाबा जी अच्छा बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह,
जैसे किसान होता तैसे थे, चमत्कार कुछ नहीं था, कुछ नहीं था इनके पास, चमत्कार चले गए, चमत्कार चिड़िया अभी तक नहीं उनके पास थी कोई, चमत्कार तो बहुत चीज बड़ी चीज होती है छठी क्लास में था। हाँ तो क्या होता है छठी क्लास हम भी थे ना, जो पहले बढ़ते थे हम छठे में बाद में गए थे, हम 1966 में 1966 में गया था छठे में, जो हमसे पहले थे दो तीन क्लास पहले गए, ये थी वहाँ पर। तो फिर स्कूल कितने तक पढ़ा उन्होंने? उन्होंने इंटर किया है अंदाज है जी, इंटर करके भर्ती होते ही तब तो हाई स्कूल हो जाते भर्ती। पढ़ाई के बाद सूरजपाल ने यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली। जब उसकी पोस्टिंग आगरा में हुई तो नाजर सिंह भी वहीं तैनात थे, दोनों का रोज का मिलना जुलना था। 10 साल तक नाजर सिंह और सूरजपाल का वास्ता रहा। आगरा के शाहगंज थाने में रहने के दिनों को याद करके नाजर सिंह सूरजपाल की सनसनीखेज हकीकत सुनाते हैं। वहीं से उन्होंने रिजार दे दी कि मैं तो साकार बिस्तरी हो गया हूँ, ऐसा कहा गया था। एक कहा खुद कहते थे, हम सुनते थे ना, रहते थे तो तो हमें तो उन्हें कभी कुछ दिखा उन्हें, हम तो साकार बिस्तरी के भोले नाथ है, बजरंग बली, हम काम कुछ है ही नहीं, सब बात बता रहा हूँ मैं उनको जो अच्छा सुन दी थी। फिर जहाँ आता था मैं तो यहाँ भी पूछताछ करता था लोगों से क्या हो रहा है, देखो जो बताए ना ये सभी औरतें लोड़ियाँ नाचती थी यहाँ पे, साफ कह रहा हूँ जो बाबा कह रहे थे कर ले, लोड़ियाँ नाचती थी, लोड़ियाँ की सेवा करती, लोड़ियाँ की बार फार काटती थी, यहीं की बात कर रहा हूँ अंदर का ही वो ताम है। बाबा के पूरी तरह चमकाने के लिए सूरजपाल ने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से इस्तीफा देकर बाबा एक धुन भक्तों को बेचने लगा था। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वक्त के साथ सूरजपाल जाटव का आपको बता दें कि जलवा बढ़ने लगा। बाबा के पाखंड की दुकान की फ्रेंचाइजी शहर दर शहर खुलने लगी, तब सूरजपाल जाटव ने अपनी पत्नी को भी स्टेज पर बिठाना शुरू कर दिया। जबकि नाजर सिंह बताते हैं कि मातेश्वरी के नाम से पुकारी जाने वाली बाबा की पत्नी बेहद साधारण महिला है, बाबा की कोई औलाद भी नहीं, लेकिन बाबा अपने भक्तों से उन्हें माता श्री कहलाता है। देखिए रिपोर्ट। आप तो इतने समय से जानते हैं बाबा को, बाबा की पारिवारिक जिंदगी के बारे में क्या है, उनकी पत्नी परिवार के बारे में? साधारण जिंदगी उनकी ज्यादा नहीं थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी इतनी हम जानते हैं, ना बच्चा अब तक हुआ ना होगा। बाबा लोग कहते माताश्री, माताश्री का जानती हो तो बताए हमें, अभी तुम क्या जानती हो कौन है माताश्री? माताश्री पति नहीं, उसे लोग माताश्री कहते हैं। क्या नाम उनका? नाम तो क्या नाम, पहले से वही है पत्नी उनकी? पहले पति तो वही है उनकी, वही है, बच्चा कोई नहीं हुआ है। बाबा सूरजपाल ने ऐसा सब्ज बाग दिखाया कि देखते ही देखते उसके भक्त लाखों में हो गए। सूरजपाल सीक्रेट रहकर अंधी आस्था का साम्राज्य खड़ा कर चुका था, लेकिन कोई भी बात लीक ना हो इसके लिए बाकायदा सेंसर बोर्ड बनाया। बाबा के सेंसर बोर्ड का चीफ कोई और नहीं, वही देव प्रकाश मधुकर बताया जा रहा है, जो हाथरस कांड का मुख्य आरोपी है। देव प्रकाश मधुकर के बाद इस बोर्ड में सबसे अहम जिम्मा बाबा की पिंक पल्टन की होती थी, जो महिला भक्तों के बीच मौजूद रहती थी। बाबा के सेंसर बोर्ड में उसकी ब्लैक कमांडो फोर्स, जिन्हें गरुड़ कमांडो कहते हैं, उन्हें भी सब पर निगरानी रखनी होती थी। बाबा की नारायणी सेना भी सेंसरशिप में अहम रोल निभाती थी। बाबा आश्रम की चार दीवारी के भीतर क्या करता था इसका पता किसी को ना लगे, इसके पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन बाबा की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। सूरजपाल जाटव की धाक जब जम गई थी, तब उसने सरकारी खजाने को भी जमकर चूना लगाया। आरोप लग रहे हैं कि बाबा के ज्यादातर आश्रम में बिजली चोरी करके इस्तेमाल की जाती है। राजस्थान के दौसा आश्रम में बाबा के कटियाबाज सेवादार चोरी से बिजली का इस्तेमाल करते पकड़े गए थे, तब बाबा के आश्रम का कनेक्शन भी काट दिया गया था। इसके बाद भी बाबा के सेवादारों ने बिजली चोरी करनी बंद नहीं की थी। दौसा आश्रम के आसपास की जमीन पर अवैध कब्जा करने के भी आरोप बाबा और उसके आश्रम पर लग चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी बाबा को बचाने की कोशिशें जारी हैं। बाबा के वकील एपी सिंह हाथरस भगदड़ कांड में नई साजिश के दावे के साथ फिर से मैदान में उतर आए हैं। एपी सिंह का ये दावा बेहद सनसनीखेज और हैरतअंगेज है। वहाँ पर सारे लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नजदीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी। एपी सिंह के दावे और दलीलों से अलग हाथरस कांड की जांच तेज हो चुकी है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने
कई लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। हादसे वाली जगह से ढेरों सबूत भी जुटाए जा चुके हैं। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उससे साफ है कि बहुत जल्द बाबा रेडार पर आने वाला है। फिर बाबा के अंडरग्राउंड अड्डे तक पुलिस पहुंचेगी और फिर बाबा की शामत आनी तय है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मॉनसून से जुड़ी अपडेट आपको दे दे, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। 9 से 10 जुलाई को बारिश हो सकती है। जोधपुर उदयपुर कोटा संभाग में बारिश के आसार है। उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 11 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। आपको बता दें कि छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और कई जगहों पर जो है बारिश 9 से 10 जुलाई को हो सकती है। जोधपुर उदयपुर संभाग में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अलवर में कॉलेज शिक्षा को लेकर के युवाओं में क्रेज कम होने लगा है। अलवर के 3 बड़े कॉलेज इस साल नामांकन में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। युवाओं में कॉलेजों में नियमित एडमिशन लेकर के पढ़ाई करने में रुचि घटती नजर आ रही है। इसलिए कॉलेजों में जितनी सीट आवंटित है उतने छात्रों के आवेदन फॉर्म भी कॉलेजों में नहीं आ रहे हैं। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं अलवर जिले की सबसे बड़ी छात्र संख्या वाले बाबू शोभाराम कॉलेज की। बाबू शोभाराम कॉलेज में इस सत्र में 4 बार नामांकन भरने की तिथि बढ़ाने के बाद भी सीट के बराबर नामांकन दाखिल नहीं हो पाए हैं। कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के लिए 1800 सीट पर ही नामांकन दाखिल हो पाए हैं। इसके अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट में नामांकन फिसड्डी नजर आ रही है। क्योंकि अभी तक सीट नहीं भरी है इसलिए अब चौथी बार नामांकन की तिथि बढ़ाई गई है। मैं अलवर जिले में बड़ी कॉलेज तो बाबू शोभाराम, अब 29 कॉलेज पूरे जिले में हो गई। तो उससे परत पढ़ाई जैसे इधर मोरेरा में साइड में कॉलेज खुल गई, इधर लक्ष्मणगढ़ में भी खुल गई, इधर राजगढ़ में भी पहले थी अब 10 कॉलेज अलग खुल गई, बारौद में भी 2 कॉलेज अलग खुल गई, इधर किशनगढ़ तिजारा इधर भी कॉलेज खुल गई। तो इसलिए छात्रों का जो अनुपात है वो कम हो गया। बच्चे आ रहे हैं लेकिन वो क्षेत्रवार कम हो गए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कॉलेज की, जहां साइंस संकाय होने के कारण से सीट से ज्यादा आवेदन फॉर्म आए हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल के अंक ज्यादा होने से बच्चों को नियमित छात्र के रूप में एडमिशन लेना पड़ता है। छात्र या अभिभावक इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा कोई कोर्स करे जिससे उनको रोजगार मिल जाए, क्योंकि वाणिज्य में कॉमर्स में ये प्रॉब्लम रहती है कि स्कूलों में भी वाणिज्य के स्कूलें बहुत कम है, कॉमर्स विषय के स्कूल बहुत कम है। इसलिए शायद कॉमर्स फैकल्टी में आवेदन कम आ रहे हैं। बाकी कला संकाय में और विज्ञान संकाय में तो जितने हमारे यहाँ सीट्स हैं उतने आवेदन आ रहे हैं। वही अगर जिले की सबसे बड़ी महिला कॉलेज राजकीय गोरी देवी कॉलेज की बात करें तो वहाँ भी कम आवेदन आए हैं। कॉलेजेस भी तो इतने सारे घूम चुके हैं ना, अभी पहले जीडी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज शायद आसपास के एरिया में एक ही होगा तो बच्चे आएंगे, लेकिन अब बहुत सारे अलवर में ही बहुत सारे गर्ल्स कॉलेज खुल गए आसपास के एरिया में, तो बच्चे तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। फिक्स बच्चे थे वो अलग अलग जगह चले गए, अब फिलहाल कॉलेज शिक्षा को लेकर के युवाओं में क्रेज कम होने लगा है। युवा में कॉलेजों में नियमित एडमिशन लेकर पढ़ाई करने में रुचि घटती नजर आ रही है। अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गन्ने की एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई है क्योंकि जोरावर आ चुका है। जोरावर भारत का नया टैंक है जो खास लद्दाख और कश्मीर फ्रंट के लिए बनाया गया है। जोरावर टैंक को जबल फ्रंट के लिए गेम चेंजर हथियार कहा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये चाइना किलर है। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये LSC का पहरेदार। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, हिमालय पर होने वाली हर चाइनीज साजिश का जवाब। ये है
भारत का सबसे नया टैंक जिसे खास चीन को हराने के लिए बनाया गया है, नाम है जोरावर। जोरावर एक लाइट टैंक है लेकिन नाम में बड़ा भारी भरकम है। जोरावर खास क्यों है, क्यों इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल के मोर्चे पर इसकी जरूरत है, क्यों ये टैंक इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर हथियार बनने जा रहा है, जितने भी सवाल हैं उसका जवाब पूरी डिटेल में मिलेगा। जोरावर हल्के वजन वाला टैंक है जिस पर 2020 के बाद काम शुरू हुआ। इस टैंक को बनाने की वजह इन तस्वीरों में छुपी है। जब 2020 में चीन की सेना ने लद्दाख एलएसी पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया और अब तक भारत और चीन की फौज एलएसी पर आमने सामने खड़ी हुई है। दोनों सेनाओं के बीच 21 राउंड की बात हो चुकी है लेकिन चीन से तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी चाइनीज खतरे से निपटने के लिए डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ मिलकर हल्के वजन वाला टैंक बनाया है ताकि ये हिमालय रेंज के ऊंचे इलाकों में भी ऑपरेट कर सके। यही इसके डिजाइन और इसमें शामिल टेक्नोलॉजी के पीछे बुनियादी जरूरत है। हल्का होने की वजह से जोरावर टैंक T-90 और T-72 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है। ये आराम से पहाड़ पर चढ़ सकता है और नदी को पार कर सकता है। जोरावर टैंक 25 टन का है, इसके मुकाबले में T-72 टैंक 46 टन का है जबकि T-90 48 टन का है और अर्जुन टैंक 60 टन का बनाया गया है। यही वजह है कि जोरावर को खास लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। कम वजन होने की वजह से यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आराम से दौड़ेगा। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंक्स, देयर आर 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द वेट, द हेवी टैंक्स, द मीडियम टैंक्स एंड द लाइट टैंक्स। ईच वन हैज गॉट इट्स ओन रोल, one is for protection, one is for offense, and these light tanks play a mixed role for both. So if you see in a light tank, there are many players in the world who are making light tanks. Zorawar tank ka naam 19th sadi ke Dogra general Zorawar Singh ke naam par rakha gaya hai jinhone Ladakh aur Tibet mein kai operation ka netritv kiya tha. अभी इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है और अगले कुछ सालों तक इसके पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और दलदली इलाकों में ट्रायल होंगे और उसी के बाद नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जोरावर का उत्पादन शुरू होगा। सेना में शामिल करने के लिए 2027 तक का वक्त दिया गया है। भारत की तोप ताकत को बढ़ाने में रूस ने जबरदस्त मदद की है। T-72 से लेकर T-90 तक आज भारत के पास जो भी टैंक हैं, उनमें सोवियत संघ और रूस से की गई डील ही काम आई है। अब भारत ने रूस की टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करके जोरावर तैयार किया है। गौर से देखेंगे तो इसकी चेचेस एक रूसी BMP बख्तरबंद गाड़ी की है जिसके ऊपर टैरेट लगाई गई है। टैरेट टैंक का वो हिस्सा होता है जिसमें मेन गन लगी होती है और इसी जगह बीच में टैंक का गनर और कमांडर भी बैठते हैं। जोरावर में 105 मिलीमीटर की गन लगी है, इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसका बख्तर काफी मजबूत है, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है ताकि दुश्मन के हमले से ये बच सके। इस टैंक में 3 क्रू होंगे यानी ड्राइवर, गनर और कमांडर। लोडर का काम ऑटोमेटिक रहेगा। जोरावर में ज्यादातर सिस्टम देश में तैयार किए गए हैं लेकिन इंजन इसमें अमेरिका का फिट किया गया है। इस टैंक की गन 42 डिग्री के एंगल पर भी हमला कर पाएगी यानी पहाड़ों पर ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को उड़ाने के लिए इसमें हाई एंगल वाली गन लगाई गई है। पहले आर्मेनिया और अजरबैजान और अब यूक्रेन और गाजा में चल रही लड़ाई ने साबित किया है कि टैंक अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहे और उन्हें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ ड्रोन हमलों से भी तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि इन युद्धों से सबक लेते हुए जोरावर में कई नए सिस्टम लगाए गए हैं। इस टैंक को गुजरात के हाजरा में तैयार किया गया है। भारतीय सेना ने शुरुआत में सिर्फ 59 जोरावर टैंकों का ऑर्डर दिया है, बाद में 295 और टैंक खरीदे जाएंगे। जोरावर की टक्कर इस वक्त चीन के मौजूदा हल्के पहाड़ी टैंक ZTQ टाइप 15 से है। चीन का ZTQ टाइप 15 टैंक भारत के लिए बड़ी चुनौती है। चीन ने इस टैंक को बनाकर यह सिग्नल दे दिया है कि तिब्बत फ्रंट पर वो टैंक वाला युद्ध करने में हिचकिचाएगा नहीं।
भारत के दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों से युद्ध की सूरत में ये टैंक की भारतीय जवानों के पास सबसे बड़ी ताकत होंगे। अब जोरावर के साथ चीन को बड़ा चैलेंज दे दिया गया है। There are the Western tanks, the Russian tanks, Chinese tanks, the Chinese Type 15 tanks, which is right now being deployed. But what is unique is of this tank is the weight, as well as the combination of the fundamental parameters of a tank, which is the firepower, mobility, and protection. All three are optimized in such a way that the weight is also maintained. At the same time, you're getting all the parameters also. असल में भारत के पास तीन प्रमुख टैंक हैं, T-72, T-90 और अर्जुन टैंक। इन तीनों के बाद जोरावर बिल्कुल अलग कैटेगरी का बहुत हल्का टैंक कहा जाएगा। 25 टन वजन होने की वजह से ऐसे तीन टैंक एक साथ C-17 ग्लोब मास्टर से एयरलिफ्ट किए जा सकते हैं, जबकि IL-76 ट्रांसपोर्ट ऐसे दो टैंक लेकर उड़ पाएगा। इससे पहले ये दोनों विमान ऐसे सिर्फ एक टैंक ही लेकर उड़ पाते थे, लेकिन जोरावर हल्का है और इसे तेजी से ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है। लद्दाख में इस वक्त भारतीय फौज बेहद चौकन्नी है और उसकी तैनाती ने चीन को भी परेशान कर दिया है। 2020 में पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर चीन के टैंकों के सामने जब भारतीय T-72 और T-90 टैंकों ने मोर्चा संभाला था, तब चीन को समझ में आ गया था कि लद्दाख की जमीन पर टैंक वाला युद्ध हुआ तो वो हार जाएगा। इसके बाद चीन ने अपने नए टैंक ZDQ टाइप 15 को तैनात करना शुरू कर दिया। अब लद्दाख से लेकर डोकलाम तक उसके टैंक LSC की दूसरी तरफ बड़ी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं और अब जोरावर के आने से साबित हो गया है कि चीन के हल्के टैंक को टक्कर देने के लिए भारत के पास भी मजबूत फौलादी ताकत है। जोरावर टैंक में जितने भी सिस्टम लगे हैं उनमें ये खास ध्यान रखा गया है कि माइनस तापमान में भी वो ठीक से काम करें, साथ में फायरिंग रेंज भी ऐसी हो कि ताकि दूर बैठे दुश्मन को ये आराम से खत्म कर सके। खास बात ये भी है कि इस लाइट टैंक जोरावर को 2 सालों में यानी बहुत ही कम वक्त में तैयार किया गया है। अभी हाल में पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डे इलाके में भारत के टैंक 2 के साथ बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें अभ्यास के दौरान सेना का T-72 टैंक रात में नदी पार कर रहा था, तभी शोक नदी में अचानक जल स्तर बढ़ गया, पानी में टैंक फंस गया और इसकी वजह से JCO समेत 5 जवानों की मौत हो गई। इसीलिए सेना को जल्द से जल्द हल्के टैंक की जरूरत थी और पानी में ऑपरेट करने वाली खूबियों की वजह से ज्यादा बेहतर विकल्प साबित होगा। ये टैंक 5 मीटर की गहराई वाली नदियों से होकर गुजर सकता है। अगर पानी में इंजन बंद भी होता है तो वो 6 सेकंड में ही रीस्टार्ट हो जाता है। इस टैंक में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल यानी NBC सुरक्षा प्रणाली है, यानी ये टैंक फुल प्रूफ है। और मुंबई के वर्ली इलाके में हुए हिट एंड रन केस में बड़ी खबर आई है। पुलिस ने इस मामले में एकनाथ शिंदे गुट के नेता राजेश शाह को गिरफ्तार किया है। खबर है कि राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह ने अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई थी। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में हिट एंड रन की सनसनीखेज खबर, लग्जरी कार ने दंपति को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, पति अस्पताल में भर्ती। शिवसेना गुट के नेता पर शिकंजा। पुणे हिट एंड रन की कहानी अभी थमी ही नहीं थी कि वर्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां एक शख्स ने अपनी लग्जरी कार से मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। इस सिलसिले में पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेश शाह समेत एक और शख्स को हिरासत में ले लिया, जबकि मुख्य आरोपी 24 साल का मिहिर शाह अब तक फरार बताया जा रहा है। अब साक्ष्य के आधार पर सारी चीजें सामने आएगी और इस प्रकरण का पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये घटना रविवार सुबह 5 बजे उस वक्त की है जब कोलीवाड़ा में रहने वाले प्रदीप नखवा और कावेरी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान लग्जरी कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि प्रदीप नखवा अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और मैंने पुलिस के साथ बात की है, मेरी बातचीत हुई है। इसमें कोई भी हो उसको एक नज़रिए से देखा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वर्ली में हुए इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी मिहिर शाह अपने चार दोस्तों के साथ कार से उतरते हुए और बैठते हुए दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो जुहू के एक पब के बाहर का है। फिलहाल इस मामले में आरोपी के पिता से पूछताछ हो रही है, जबकि मुख्य आरोपी मिहिर पर शिकंजा कसने के लिए 6 टीमों को लगाया गया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।